रामदेव मेरे दोस्त हैं, फिर भी मैं उनको ये कहता हूं कि आप संत तो बिल्कुल नहीं है, आप योग प्राणायाम का व्यापार करने वाले व्यापारी हैं। प्राणायाम बाबा रामदेव ने सिखाया ऐसा नहीं है, ये तो 5000 साल पहले पतंजलि ऋषि सिखा के गए सबको। नहीं, मैं दूसरी बात, आपने जो बात है वो ठीक से समझी नहीं। बाबा रामदेव जब पूना आते हैं ना तो 1 कोटी रुपए लेके जाते हैं। मैं आपको दूसरी बात बताता हूँ, पतंजलि ऋषि ने ये ज्ञान फोकट में दिया था, किसी से पैसा नहीं लिया था। नहीं, ऐसा नहीं है, ज्ञान तो फोकट में ही देना चाहिए। कि ज्ञान को बेचना शुरू कर दिया तो उसकी कीमत थोड़े दिन में खत्म हो जाती है। नहीं, फायदा हो रहा है, उससे भी ज्यादा हो सकता है कि वही प्राणायाम मैं आपको फोकट में सिखा सकता हूँ, सबको मिलेगा। आप अगर रामदेव जी के रास्ते पे जाएंगे तो खतरनाक हो जाएगा, क्योंकि गांव गांव आप योग प्राणायाम पैसा लेके सिखाएंगे तो बहुत तकलीफ आएगी। कोई भी संत ने पैसा इकट्ठा नहीं किया, और जो पैसा इकट्ठा करता है वो संत नहीं होता। हमारे देश में संत की परिभाषा है कि जो 3 एषणाओं से मुक्त है, वित्तेषणा, पुत्रेषणा, लोकेषणा, 3 एषणाएं होती हैं। एषणाएं माने लालच। पुत्र का लालच जिसको है वो संत नहीं है, पैसे का लालच जिसको है वो भी संत नहीं है, और नाम सम्मान मिले उसका लालच है वो तो बहुत ही खतरनाक है, वो बिल्कुल संत नहीं है। तो आज के जो संत हैं वो कोई भी हो, बाबा रामदेव मेरे दोस्त हैं, फिर भी मैं उनको ये कहता हूं कि आप संत तो बिल्कुल नहीं है, आप योग प्राणायाम का व्यापार करने वाले व्यापारी हैं। जिस दिन आप निःशुल्क शिविर लेंगे उस दिन हम कहेंगे कि आप संत हैं, क्योंकि आपने जिस गुरु से सीखा उसने कोई शुल्क नहीं लिया, तो आप कैसे शुल्क ले रहे हैं किसी ज्ञान के लिए? ये तो ज्ञान को बेचना हुआ, और ये तो अंग्रेजों से भी ज्यादा खतरनाक है। भारत में कोई भी संत को पैसा लेना ये बहुत बड़ा पाप है। संत के लिए तो है कि पैसे को छूना भी नहीं, क्योंकि उससे ऐषणा पैदा होती है, लालच। और उनका लालच पता है कितना बड़ा है, 100 कोटि इकट्ठा किया, अभी पेट नहीं भरा, अब कहते 1000 कोटि इकट्ठा करूंगा। पहले जब वो निकले थे योग प्राणायाम सिखाने तो कहते थे 100 कोटि आएगा तो बस, अब 100 कोटि से बहुत जास्ती आ गया, 600 कोटि आ गया, अब कहते 1000 कोटि आएगा तो बस। तो टाटा बिरला और रामदेव में अब क्या अंतर है? जबकि पतंजलि ऋषि ने योग प्राणायाम को बताया कि ये जीवन की सबसे आवश्यक ज्ञान है, इसलिए निःशुल्क मिलना चाहिए सबको, और उन्होंने उसका बिक्री शुरू कर दिया। अब पुणे में कोई गरीब आदमी कैसे सीखेगा योग प्राणायाम? वो तो 2500 रुपए की टिकट नहीं ले सकता, 5000 रुपए की, लेकिन बीमारी तो उसको भी है, बीमारी कोटिपति को भी है, गरीब को भी है, तो गरीब तो बीमारी से बाहर निकलेगा ही नहीं कभी। तो संत की परिभाषा जो है, जो 3 एषणाओं से मुक्त है, लोकेषणा, वित्तेषणा, पुत्रेषणा, पैसे का लालच नहीं, घर परिवार का लालच नहीं, और मान सम्मान का लालच नहीं, वो संत होता है। अब ढूंढो कौन है संत ऐसा? बाबा सातारकर है क्या? मैं एक बार गया, मैंने कहा हमारे यहां भजन कीर्तन करने का, वो 50000 रुपए पहले लाओ फिर डेट मिलेगी। मैंने कहा अरे आपको तो संत कहते हैं, तो उनका जो कहते हैं सो कहते हैं, 50000 पहले लाओ उसके बाद डेट मिलेगी, वो 3 महीने बाद, 6 महीने बाद। तो मैंने तो उसी दिन से छोड़ दिया कि ये तो कोई संत नहीं है, ये सब धंधा करने के लिए निकले हैं, किसी को 50000 लेना, किसी को 25000, किसी को 10000, किसी को 5000। कोई अपनी सदिच्छा से दे वो बात अलग है, भावना से दे। आपने रेट फिक्स कर दिया, 50000 चाहिए, 25000 चाहिए, 15000 चाहिए, ये तो हाँ आसाराम बाबू का 5 लाख रुपए, उनका रेट 5 लाख रुपए, आप बुलाओ उनको 5 लाख से कम पे नहीं आते। और उसके बाद एसी गाड़ी चाहिए, नया घर चाहिए, हेयर जो हवाई जहाज का टिकट चाहिए वो सब अलग चाहिए, फिर उनके जो चेले चंगाटे आएंगे उनके लिए अलग से चाहिए। तो इसलिए मैंने कहा कि ये देश की सेवा नहीं, अपनी सेवा करा रहे, पैसा इकट्ठा कर करके लेके जा रहे हैं, कोई हरिद्वार लेके जा रहा है, कोई अहमदाबाद लेके जा रहा है, परदेशी कंपनी लूट के परदेश लेके जा रही है, ये हमारे गांव से लूट के अपने गांव लेके जा रहे हैं। और वो कहते हैं हरिद्वार में आश्रम बना रहे हैं, तो आश्रम 1000 कोटि में बनता है क्या? और जहां आश्रम बनाना है वो उसका भी नियम है, भारत के शास्त्रों में सब नियम है। जैसे आपने पुणे से पैसा इकट्ठा किया तो आश्रम पुणे में ही बनना चाहिए, हरिद्वार में क्यों बनना चाहिए?
क्योंकि जिन्होंने पैसा दिया उनको क्या लाभ मिलेगा आपके आश्रम का। अब पुणे वाले कोटि रुपए दो बार दे चुके हैं रामदेव जी को, और उनको बीमारी आएगी तो हरिद्वार जाए, फिर वहां से ठीक करा के लाए अपने को। तो ये तो बहुत खतरनाक धंधा है भाई, इसमें संतपना कुछ नहीं है, ये शुद्ध व्यवसाय है। किसी ने योग प्राणायाम का चालू कर दिया, किसी ने भगवान राम का व्यवसाय शुरू कर दिया, राम कथा कह रहे हैं 5 लाख रुपए की, कृष्ण कथा कह रहे हैं 5 लाख रुपए की, ज्ञानेश्वरी की कथा कह रहे हैं 5 लाख रुपए की, ये सब धंधेबाज लोग हैं, इनमें कौन संत है बताओ ना आप। हाँ वो ठीक है, तो वही मैं कहना चाहता था आपसे, आपको मैं समझाना चाहता हूं कि संत की परिभाषा जो है, जो पैसे से कुछ मोह नहीं रखता हो, जिसको मान सम्मान की प्रतिष्ठा की चिंता ना हो, और जिसको कभी परिवार की ऐष्णा ना हो, बीवी होनी चाहिए बच्चे होने चाहिए, वो संत है। तीन लालच से मुक्त है वो संत है, भले वो पढ़ा लिखा है नहीं पढ़ा लिखा है। तो इस परिभाषा पे आप कस कर देखो कौन संत है कौन नहीं है। जिसका टीवी में जाहिरात जास्ती है वो संत हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है कोई गांव का साधारण व्यक्ति बड़ा संत हो, रामदेव जी से ऊंचा संत हो, सामान्य व्यक्ति। तो मैंने जो कहा है ना, बहुत सोच समझ के कहा, और इन सबको मैंने बहुत अंदर से देखा है 15 साल, तब मैंने तय किया कि मैं भगवान ही धारण करूंगा, इनको देखने के बाद मैंने तय किया। नहीं तो मैं भी कर सकता हूं, करोड़ों रुपए कमा सकता हूं, फिर आपको मेरा व्याख्यान सुनने के लिए टिकट लेनी पड़ेगी, 500 रुपए टिकट दो, 1000 रुपए टिकट दो, फिर मैं कहूंगा एक गुरुकुल बनाता हूं उसके लिए पैसा लगेगा। तो बहाने तो 50 है पैसा इकट्ठा करने के, उसकी तो कोई कमी नहीं है, लेकिन वास्तविकता जो संत की है, मैंने भारत में घूम के देखा है, थोड़े बहुत संत हैं, मुश्किल से 4-5 पूरे भारत, मुश्किल से। नाम बताऊं, एक तो बहुत अच्छे व्यक्ति अभी स्वर्गवासी हुए, उनका नाम था राम सुखदास, राम सुखदास जी महाराज ऋषिकेश में थे, वो सच में संत थे, पैसे से कुछ लेना देना नहीं, मान सम्मान का कोई प्रश्न ही नहीं, और कोई पुत्रेष्णा नहीं, वो तो एक थे। एक अभी दक्षिण में है, जीवित है, वो कभी आपने अगर उनका प्रवचन सुना है, ये जो उत्तर कर्नाटक है ना, उत्तर कर्नाटक, उत्तर कर्नाटक में ये धारवाड़ हुगली बेलगाम इस एरिया में उनका बहुत महत्व है, श्री सिद्धेश्वर स्वामी, उनको पैसे से कुछ लेना देना नहीं, और इतने निरपेक्ष आदमी है कि उनका जो वस्त्र है ना उसमें जेब भी नहीं, वो कहते हैं जेब लगाना तो ऐष्णा आएगी, जेब भी नहीं लगाना, ना ऊपर ना नीचे कहीं नहीं, हाँ जेब ही नहीं है, कुर्ते में जेब नहीं, और पजामे में जेब हो सकती है तो पहनते ही नहीं, लुंगी पहनते, उनको कुछ पैसे से लेना देना नहीं, और सिर्फ पैसे से ही नहीं मान सम्मान से भी लेना देना नहीं। कोई टीवी पे नहीं आते, कोई अखबार में इंटरव्यू नहीं करते, लेकिन जब उनके व्याख्यान होते हैं ना तो हजारों लोग आते हैं, और वो सवेरे 3 बजे व्याख्यान करें तो हजारों लोग 3 बजे आते हैं सुनने के लिए, और जब व्याख्यान करें तो इतना धीमे बोलते हैं कि अगर थोड़ा भी हल्ला गुल्ला हुआ तो आप सुन नहीं सकते, इसलिए पिन ड्रॉप साइलेंस रहता है। वो एक संत है, ये बड़े स्तर के, छोटे स्तर के और भी बहुत सारे संत हैं, गांव गांव में हैं,